आपको? जी मैं जोमेटो के शेयर खरीदा था 133.60 पे, अब उसको सेल करूँ या होल्ड करूँ वही पूछना था। 133.60 जी सैंतीस के भाव पर खरीदी तबरेज की अविनाश जी। जोमेटो हमने देखा था कि लिस्टिंग के बाद से एक रेंज बाउंड ही स्टॉक रहा था काफी वक्त तक, और एक बाउंस इसमें जरूर आया था, 165-170 की रेंज में शेयर गया था, लेकिन फिर वहां से ये शेयर ठंडा पड़ गया। अभी 120 रुपए के आसपास से 133 की खरीद है, क्या सजेस्ट करेंगे आप? क्या आगे इसमें पोटेंशियल है? क्या इसमें अगर थोड़ी लंबी अवधि के लिए, 2 साल 4 साल के लिए अगर निवेशित रहे तो? देखिए अभिषेक, पहली बात तो जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली ऐसे फील्ड में काम करती है जहां पे डिमांड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है। इनफैक्ट अगर हम कंपैरिजन के कहे तो मार्केट में सिर्फ दो प्लेयर्स है, एक तो जोमेटो है जो लिस्टेड है और दूसरी स्विगी है। और यहाँ पे एक बात क्लियर है कि इनके लिए टॉप लाइन बढ़ने की गुंजाइश काफी सिग्निफिकेंट है, तो अभी मुनाफा कभी आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली ये स्टार्टअप बिजनेस के जैसे हैं, तो कम से कम 2-3 साल का अगर इनका नजरिया है तो ही होल्ड करिए। देखिए जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट टॉप लाइन ग्रोथ देख के ही उसको अभी वैल्यूएशन दे रही है, क्योंकि अभी मुनाफा ऑपरेटिंग लेवल पे भी नहीं है, नेट प्रॉफिट लेवल पे भी नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो डेफिनेटली ये यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन अगर इनका नजरिया 2-3 साल है तो आराम से पकड़ लीजिए। मेरा विश्वास है कि 2-3 साल में तो डेफिनेटली अच्छा खासा अपसाइड मिलेगा, क्योंकि तब तक कंपनी में डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी का जो ट्रेंड है वो आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो थोड़ा लंबा निवेश करके सोचिए, शॉर्ट टर्म अगर नजरिया है तो उसका कोई इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे नहीं आएगा, बट लॉन्गर टर्म में जरूर वैल्यू अपसाइड आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो जोमैटो में 2 से 3 साल के नजरिए के साथ आप बनी रह सकते हैं। आगे कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, खास तौर से प्रॉफिटेबिलिटी, वो सुधरती हुई नजर